हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन जीएस में। और आज हम देखने जा रहे हैं इंटरनेशनल डेडलाइन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और साथ ही साथ टाइम कैलकुलेशन इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का। और ये वीडियो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, मेरा नाम है अभिनव राज। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आपका लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यानी कि अक्षांश और देशांतर का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। हालांकि मैं इनके बारे में दो दो लाइन बता देता हूँ। ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं यानी कि अक्षांश, ये होरिजेंटल लाइंस होते हैं और इनके बीच की जो दूरी होती है हमेशा पैरेलल होती है और इनकी टोटल संख्या 181 है। जबकि ये लैटिट्यूड्स यानी कि देशांतर, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने का काम करते हैं और इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, पोल्स पर जीरो होती है और इक्वेटर पर सबसे ज्यादा हो जाती है। और इनकी टोटल संख्या है 360 यानी कि 360। कुछ इसी तरह से होता है इनके बीच का डिस्टेंस, जैसे कि एक हम जब संतरा को छीलते हैं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बीच में किस तरह से दूरी बढ़ जा रही है इनके बीच की। और जब ये पोल्स के नजदीक हैं तो दूरी कम है, रिड्यूस टू जीरो। अब देखिए, इस तरह से ये टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं और सभी एक दूसरे के इक्वल हैं लेंथ में। तो हम किसको बोले कि ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा या रेफरेंस लाइन है, कि इसको हम बोलेंगे कि हाँ ये हमारा पॉइंट हो गया या लाइन है रेफरेंस का। इसे दाहिने के तरफ वाले को हम ईस्ट बोलेंगे, बाएं वाले को वेस्ट बोलेंगे या उस वहीं से काउंटिंग करेंगे, ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके लिए अक्टूबर 1884 में वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की राजधानी है, वहां एक कॉन्फ्रेंस हुई। उसका नाम था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। और उसी में डिसाइड किया गया कि अ मेरिडियन टू बी इम्प्लाइड एज अ कॉमन जीरो ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स एंड द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम रेकॉर्डिंग थ्रू द वर्ल्ड, जो कि एक वो लॉन्गिट्यूड जो कि ग्रीनविच से गुजरती है, ग्रीनविच लंदन के बगल में जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहां से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है उसका नाम दे दिया गया जीरो डिग्री। देखिए, यह है यूनाइटेड किंगडम और यहां पर लंदन शहर है, तो ये देखिए यहां पर जीरो डिग्री। अब जीरो डिग्री से ईस्ट साइड में जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे उनके नाम में हम ईस्ट लगाते जाएंगे, जैसे यहां पर है 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ईस्ट। और इसी तरह से इसके लेफ्ट साइड में यानी कि वेस्ट साइड में जो भी लॉन्गिट्यूड्स आएंगे उनके नाम में वेस्ट लगा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिग्री किस हिसाब से बांटा हुआ है? जीरो डिग्री तो चलिए पहले वाले को जो ग्रीनवेज से गुजर रहा है उसको जीरो डिग्री बोल दिए, लेकिन ये एक डिग्री, दो डिग्री, कहां से एक डिग्री, किसके रेफरेंस में 5 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, है ना बात? ये वाली बात तो हम समझ गए कि हाँ ये जीरो डिग्री है, इसके इधर ईस्ट साइड में होगा और इसके वेस्ट साइड में होगा। अब हमें रेफरेंस जानना है, ओके। तो देखिए यहां पर इस क्रॉस सेक्शन के मदद से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि ये वाला प्राइम मेरिडियन है जो कि जीरो डिग्री से गुजरता है मेरिडियन, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। अब यहां पर इस तरह से हम समझे कि हम लोग अपना प्रोट्रैक्टर रख दिए हैं, इस तरह से प्रोट्रैक्टर। तो अब हम देखेंगे कि ये जो प्रोट्रैक्टर का हमारा लाइन है उसके साथ जितना डिग्री बनाते जा रहा है दाएं और बाएं दोनों साइड में, तो जो ईस्ट साइड में होगा मानते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के साथ ईस्ट लगा देंगे और इधर लेफ्ट साइड में 30 डिग्री के साथ ऐसे वेस्ट लगा देंगे, ओके। यहां मैप के सहारे मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि ये यूनाइटेड किंगडम और ये रहा लंदन, लंदन से ग्रीनविच, यही लंदन के बगल में एक छोटा सा शहर है जहां पर है रॉयल ऑब्जर्वेटरी। और ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है इसको जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसके जो ईस्ट में डायरेक्शन हुआ, यहां जो भी लॉन्गिट्यूड्स आएंगे उनके डिग्री के साथ में ई लगा देते हैं, ई से ईस्ट को डोनेट करते हैं, जबकि वेस्ट साइड वाले में डब्लू लगा देते हैं यानी डब्लू से वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। अब देखिए, अब इस मैप में आप देख पा रहे हैं ये जो जीरो डिग्री है जो कि यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका तीन
कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है, और यहाँ जो वाटर बॉडी है आपको बताना है ये कौन सा वाटर बॉडी है जहां से ये 0 डिग्री गुजरता है, प्राइम मेरिडियन। अब देखिए इसके ईस्ट साइड में जो भी पढ़ रहे हैं उनके नाम में ईस्ट लगा हुआ है ना, और इसी तरह से वेस्ट साइड में W लगा हुआ है। ओके, अब देखते हैं हम कि ये टाइम डिफरेंस कितना होता है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, यानी अगर हम एक लॉन्गिट्यूड है इसको 1 डिग्री बोलते हैं और इसको 2 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री ईस्ट और ये 2 डिग्री ईस्ट, तो दोनों के बीच में समय का कितना अंतराल होगा, टाइम का डिफरेंस कितना होता है ये हम जानेंगे और कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। सभी जानते हैं कि एक दिन बराबर होता है 24 घंटे के। अब हम वहां इतने स्पेसिफिक कैलकुलेशंस में नहीं जाते हैं कि 23 घंटे 56 मिनट और कितने सेकंड्स, लेकिन हाँ एक दिन के बराबर 24 घंटे, और जब हम 24 घंटे को मिनट में बदल रहे हैं तो 24 × 60 हो गए मिनट्स। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल 360 हैं लॉन्गिट्यूड्स और हमारे पास इतना मिनट्स है। अब होता क्या है कि एक बार पृथ्वी 24 घंटे में चक्कर लगाती है, यानी कि 360 जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। तो जब ये कैलकुलेट करते हैं हम इस तरह से लिख के 24 × 60 और डिवाइड करते हैं 360 से, तो देखिए ये हमारा कट के आता है कैलकुलेशन 4 मिनट्स, यानी कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का टाइम डिफरेंस होता है 4 मिनट का, सीधा सीधा बात है। अब यहां कुछ समझते हैं हम, जैसे यहां देखिए 30 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ है और यहां 60 डिग्री ईस्ट, 30 और 60 इनके बीच का दूरी कितना हो गया, अगर हम डिग्री के टर्म्स में बोले तो 30 डिग्री का, और हम ये जान गए कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का 4 मिनट का दूरी होता है टाइम डिफरेंस, तो ये हो गया 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे। अब ये जो ईस्ट जितना ज्यादा होता है उतना टाइम एडवांस होता है, यानी कि अगर यहाँ का लोकल टाइम 12 बज रहा है तो यहाँ उस समय लोकली 10 बज रहा होगा, ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। इसी तरह से ये 0 डिग्री और 30 डिग्री ये है, इसके बीच भी 30 डिग्री का अंतर है तो यहाँ भी 2 घंटे का अंतर होगा। इसी तरह से 0 और 60 डिग्री ईस्ट के बीच में यहाँ 4 घंटे का अंतर हो गया। अब देखिए यहाँ है 30 डिग्री वेस्ट और यहाँ है 30 डिग्री ईस्ट, यहाँ इनके बीच में कितने घंटे का अंतर होगा, तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि इनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तब हम मिनट निकाल पाएंगे। तो 0 से यहाँ 30 और यहाँ यहाँ 30, तो 30 + 30 60, 60 × 4 यानी कि 240, यानी कि 4 घंटे का अंतर हो गया, यानी यहाँ जो 30 डिग्री ईस्ट पर जो टाइम होगा और 30 डिग्री वेस्ट पर, इन दोनों के लोकल टाइम में 4 घंटे का फर्क होगा। ओके, अब देखिए जब भी आप अपने मोबाइल में टाइम सेट करते होंगे तो GMT से प्लस लिखा होता है या माइनस लिखा होता है, जैसे हम देखें ना कि यहाँ 4 घंटे का फर्क हो जा रहा है, 0 से 60 के बीच में 4 घंटे का फर्क हो जाएगा, तो ये देखिए 60 है करीब, यहाँ जो जगह है ये अरब पेनिनसुला के देश को काट के निकल रहा है। इसी तरह से ये दुबई है, यहाँ लिखा हुआ है +4, यानी कि GMT यानी जो ग्रीनविच में समय है उससे 4 घंटे आगे प्लस में, क्यों, क्योंकि ईस्ट साइड में है। लेकिन आप एक बात गौर करिएगा, उसमें टाइम का जो डिफरेंस होता है ना आधा आधा घंटा पर लिखा होता है, जैसे 4 फिर 4:30 5 5:30 इस तरह से, कभी ऐसा नहीं होता है कि 4 फिर 4:15 4:45 ऐसे ऐसे नहीं होते हैं। आप जैसे ये मैंने एक मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले रखा है यहाँ पर, और ये एक लैपटॉप का है, जैसे आप देखिए +5 + 5:30, तो मैक्सिमम ये इस तरह से होता है, जैसे 6 फिर आधे आधे घंटे के अंतर पर होता है। तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया गया है दुनिया में कि आधे आधे घंटे के हम डिफरेंस पर टाइम्स के जोन को बांटा करेंगे, ठीक है। अब ये टाइम जोन जो हमारा होगा, हम लोग एक मान चुके हैं कि डिफरेंस
आधे आधे घंटे पर दिखाएंगे, यानी टोटल कितने हमारे पास टाइम जोन्स हो गए, 24 घंटे होते हैं और आधा आधा घंटा पर दिखाएंगे, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 1/2, यही हुआ ना। तो टोटल हमारे पास ऐसे दुनिया में 48 टाइम जोन्स हो जाएंगे, यानी ऐसे लाइन जिसके थ्रू हम डिनोट करेंगे और इस पर जो शहर पड़ेंगे उनके रेफरेंस में ही हम कहीं का टाइम सेट करेंगे। जैसे ये दुबई हो गया, काबुल हो गया, कराची हो गया, कोलकाता हो गया, यानी अच्छे अच्छे जो शहर पड़ रहे हैं उसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं कि हाँ GMT से ये कितने घंटे आगे है। ठीक है, अब जैसे देखिए कोलकाता का यहाँ टाइम दिया हुआ है लेकिन लखनऊ का नहीं दिया हुआ है, तो इसका ये नहीं मतलब हुआ कि कोलकाता और लखनऊ में हम डिफरेंस देखेंगे कि कौन सा हमारा आधे घंटे के स्लैब पर सेट कर रहा है, उसी शहर को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से है, आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन खींचे हुए हैं ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये जो स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए डिनोट किए गए हैं मैं उन्हें दिखाने का कोशिश किया हूं। और ये 30 मिनट्स लिखा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि हाँ ये दो लाइंस हैं जो इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स, उनके बीच में 30-30 मिनट का अंतर होता है जब हम 0 डिग्री से ईस्ट में जाएं या वेस्ट में जाएं। इनकी टोटल संख्या हो जाएगी 48, यानी कि 48। ओके, तो 30 मिनट के अंतर का मतलब हुआ कि 7.5 डिग्री पर एकक होंगे। कैसे, 30 मिनट, और जानते हैं कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का समय का डिफरेंस होता है 4 मिनट, तो इस हिसाब से हो गए 7.5 लॉन्गिट्यूड्स। यानी अगर एक 0 डिग्री तो फिर 7.5 डिग्री को, फिर 15 डिग्री, इस तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स हमारे पड़ेंगे उनको हम डिनोट करते हैं रेफरेंस के लिए। ओके, अब देखिए हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो अलाहाबाद से हम तय करते हैं, है ना बात। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जब देखते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स हुआ, यानी रफली 30 डिग्री हो रहा है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि हम कहीं बीच का टाइम रखें जो सबके लिए इक्वल पड़े, लेफ्ट वाले के लिए भी राइट वाले के लिए भी, रेफरेंस लाइन से लेफ्ट में भी जो लोग हों और राइट में भी जो हों, दोनों के लिए समय इक्वल हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जब यहां हम देख पा रहे हैं कि हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न, ये ईस्टर्न हिस्सा और ये वेस्टर्न के बीच में जब 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि 30 × 4 हो गया 120 मिनट, जिसका मतलब होता है 2 घंटे का अंतर हो गया, यानी अरुणाचल प्रदेश और यह गुजरात के टाइम, लोकल टाइम में 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। तो हम कहीं बीच का यहां पॉइंट ले लिए जहां से कि इधर भी 1 घंटा, ये ईस्ट में है तो प्लस हो और ये वेस्ट में है तो माइनस हो, तो ये बट गया ना 2 घंटे। यानी बीच का कोई समय को अगर हम मीन टाइम ले लेते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, तो फिर दोनों के लिए अच्छा होगा। नहीं तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश वाले टाइम को ले लें तो क्या होगा, यहाँ का तो सब कुछ समय से चलता रहेगा और ये गुजरात वाले लोग यहाँ 2 घंटे पिछड़े रहेंगे। ठीक है, अब जैसे आप ऐसा समझिए कि कोई ऑफिस चलने का टाइम है रात शाम के 6 बजे तक, तो यहाँ शाम में 6 बजे तो टाइम से ऑफिस बंद हो गई, लेकिन गुजरात के लिए 6 बजे बंद होगा अरुणाचल प्रदेश के टाइम से, लेकिन यहाँ एक्चुअली यहाँ 8 बज जाना चाहिए, मैं कुछ गलत बोल गया यहां पर। कहने का मतलब है कि अगर हम यहां 6 बजे के टाइम से लेते हैं कि हाँ 6 बजे ये ऑफिस बंद कर देना है शाम में, तो गुजरात में भी अगर अरुणाचल प्रदेश के टाइम से घड़ी सेट करें तो यहां 6 बज जाएगा, लेकिन लोकली अभी यहां 4 ही बज रहा होगा। ठीक है, तो यहां 6 बजना कहेंगे घड़ी के हिसाब से, लेकिन हम देखेंगे कि अभी आकाश में हमें सूर्य नजर आते रहेगा। और इसका कन्वर्स जब बोलें कि गुजरात के 6 बजे के हिसाब से अगर हम कहें कि ऑफिस बंद करना है अरुणाचल प्रदेश को भी,
तो जरूर अरुणाचल प्रदेश के लोगों के घड़ी में 6 बज रहा होगा, लेकिन रात के 8 बज गए होंगे यहाँ लोकली, ठीक है। तो इस तरह की दिक्कत ना हो तो बीच के पॉइंट को हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लेंगे। तो देखिए, जब हम जान गए कि ये मोटा मोटी 30 डिग्री है, तो 30 का आधा 15 हुआ, तो जब हम 68 में 15 जोड़ते हैं तो हमें करीब करीब मिलता है 83। 83 डिग्री के इर्द गिर्द में जो 7.5 का मल्टीपल होगा उसको ही हम स्टैंडर्ड टाइम बनाएंगे अपना, क्योंकि ये दुनिया में एक ट्रेंड बना हुआ है कि हमको आधा आधा घंटा के डिफरेंस पर दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये 7.5 7.5, तो देखिए यहाँ 7.5 इंटू 11 होता है 82.5, 82.5। तो अब ये हो गया 82.5, यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट, जो कि इलाहाबाद का लोकल टाइम है। इसी से हमारे मोबाइल में जो टाइम दिखाता है, कोलकाता के लिए भी 5.5 घंटा प्लस लिखा होता है और दिल्ली के लिए भी 5.5 घंटा प्लस लिखा होता है, जबकि एक इलाहाबाद के ईस्ट में है और एक इलाहाबाद के वेस्ट में है। ओके, तो इतना कुछ हो जाने के बाद अब आप समझ पाएंगे इस बात को कि हाँ, ये आधे आधे घंटे पर दिखाया गया है, और जब हमारा ये 7.5 के मल्टीपल में ये 11 है, तो 11 का आधा कर देते हैं तो 5.5 होता है, और यही 5.5 घंटे हम GMT से आगे हैं। ओके, अब देखिए, ये जो हमारा पेज है, हम इसको उल्टे साइड से इसे मोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जब हम दाहिने की तरफ यानी ईस्ट साइड में 180 डिग्री पहुंच रहे हैं और वेस्ट साइड से भी 180 डिग्री, तो ये 180 वाली जो पॉइंट लाइन होगी वो कॉमन हो जाएगी, तो हम इसके 0 डिग्री के अपोजिट साइड को देखते हैं। तो देखिए, ये 0 डिग्री और ये जब हम पेज को उल्टे साइड से देख रहे हैं तो ये है वहां 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाली जो लाइन हो गई हमारी, तो इस यहां देखिए, यहां ईस्ट अब हम इसके लेफ्ट साइड में दिखाए हैं और वेस्ट को राइट साइड में दिखाए हैं। अगर आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने यह ईस्ट क्यों लेफ्ट साइड में और वेस्ट को राइट साइड में दिखाया है, तो आप अपने ग्लोब को घुमा के देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे। तो यहां देखिए, ये 0 डिग्री यानी कि ये लंदन है और ये GMT 0 डिग्री, और यहां पर भी 0 डिग्री को मैं दिखा रहा हूं इस जगह पर, देखिए, यानी यहां से यहां तक 180 और यहां से यहां तक 180, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो डेट हो गया, यहां जो समय है, यहां समय का चेंजिंग होता है इसी लॉन्गिट्यूड्स पर, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। चलिए समझते हैं किस तरह से टाइम का चेंजिंग आता है यहां पर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो ग्रीनविच में टाइम हो रहा है वो मंडे को 10 AM हो रहा है, मंडे का 10 AM, यानी मंडे के सुबह में 10 बज रहे हैं ग्रीनविच लंदन में, ठीक है। तो जब हम ईस्ट साइड बढ़ते हैं और 180 डिग्री बढ़ के आते हैं, तो 180 डिग्री का मतलब हो गया कि 180 गुने की 4, यानी कि 720 मिनट हो गए ना, 18 चौक 72, 720 मिनट यानी कि 12 घंटे 12 आवर्स। ओके, तो ग्रीनविच के टाइम से ईस्ट साइड बढ़ेंगे 180 डिग्री तो 12 घंटे हम एडवांस हो जाएंगे, और जब ग्रीनविच के टाइम से हम वेस्ट साइड बढ़ रहे हैं, देखिए जैसे ये ग्रीनविच हो गया यहां पर, तो ग्रीनविच के ईस्ट में, यहां तक तो ईस्ट कहलाएगा ना, सॉरी थोड़ा सा पेज ब्लैंक हो गया था, देखिए ये ग्रीनविच का है 0 डिग्री, तो इसके ईस्ट में हम यहां तक आए यानी 180 डिग्री तक, तो हो गए हम 12 घंटा प्लस में,
और जब हम इधर वेस्ट में जा रहे हैं तो यहाँ 12 घंटे हम माइनस में हो जाएंगे ग्रीनविच के टाइम से। ओके, तो अब यही बात है, यहाँ प्लस का साइन दिया हुआ है जब हम ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ आते हैं 180 डिग्री, और यहाँ माइनस 12 घंटे जब ग्रीनविच से हम वेस्ट की तरफ आते हैं 180 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर ग्रीनविच में 10 बज रहे हैं मंडे के सुबह एएम है, तो ये 10 पीएम हो जाएगा मंडे को जब हम ईस्ट की तरफ से आ रहे हैं, और यही जब हम वेस्ट के तरफ से आ रहे हैं तो हम 12 घंटे घटा देंगे तो ये संडे का 10 पीएम हो जाएगा। तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि ये जो लाइन है 180 डिग्री वाली, इसके दो साइड में है, मैं दिखा रहा हूं, एक तरफ स्टेरिक्स और एक तरफ हैश। तो ये जो स्टार है यहां का ये टाइम हो गया 10 पीएम रात के मंडे है, और जबकि इसी जगह पर यहां पर संडे है और 10 पीएम रात के, यानी कि टोटल 24 घंटे का अंतर आ गया बस एक लाइन के लेफ्ट और राइट साइड में। तो यही वो लाइन है जहां पर तिथि बदल जाती है, डेट बदल जाता है, ठीक है। जैसे ये संडे है यहां पर और यहां मंडे है, यानी क्या हम देख पा रहे हैं कि यहां डेट बदल जा रहा है। अगर यहां 5 तारीख होगा तो यहां 6 तारीख होगा, यहां 6 तारीख होगा तो यहां 7 तारीख होगा, यानी यहां डेट का जो है ना चेंजिंग होता है, इसलिए इस लाइन को कहते हैं डेट का लाइन। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लाइन है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लाइन है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कब हम डेट प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे। तो अब तक तो हम समझ ही चुके हैं कि यहां मंडे था ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में हमारे था संडे, यानी मंडे तो आगे होता है संडे से। यानी जब हम ईस्ट साइड से वेस्ट साइड की तरफ जाते हैं तो एक डे घटा देते हैं, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं कि मंडे को 6 तारीख था किसी महीने में, तो जब हम ये डेट लाइन क्रॉस कर गए ऑटोमेटिकली यहां 5 तारीख हम कर देंगे, ठीक है। और जिसका जस्ट उल्टा, जब कोई वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएगा तो एक दिन ऐड कर लेगा अपने टाइम में, टोटल 24 घंटे आगे, यानी संडे है यहां और यहां मंडे हो जाएगा जैसे ये लाइन क्रॉस कर जाएगा। तो इतनी मजेदार है ये तिथि रेखा। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब पहले ही चर्चा हुआ कि सारे लॉन्गिट्यूड्स सीधे होते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ते हैं, तो ये फिर ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिख रहा है, ये तो रेगुलर नहीं है, इतना टेढ़ा मेढ़ा है। तो इसका भी एक कारण है, उसका ये कारण है कि अगर यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं, एकदम छोटे छोटे से हैं, तो अगर एक इतना छोटा सा आइलैंड नेशन है उसके कुछ आइलैंड्स ईस्ट साइड में पड़ जाएं इंटरनेशनल डेट लाइन के और कुछ वेस्ट साइड में, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन रूल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा एक लाइन के कारण। अब उनका क्या होगा कि इतना छोटा सा देश है और देश में 24 घंटे का अंतर चलेगा ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों छोर को मिला के। तो इस तरह के अटकलों को दूर करने के लिए क्या किया गया कि ये फ्री है, अगर कोई देश चाहे कि हम ईस्ट साइड में रहें तो ईस्ट साइड में रह सकता है लाइन के, कोई अगर चाहे कि वेस्ट साइड में रहे तो वेस्ट साइड में रह सकता है। ओके, इसी कारण से ये टेढ़ा मेढ़ा है। और ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां तो कुछ ज्यादा ही हद हो गया है, ये इतना ज्यादा इस तरह से मोड़ तोड़ है। अब इसके बारे में हम थोड़ा आगे समझते हैं। ओके, तो ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है और यहाँ छोटे छोटे ये सब आइलैंड नेशंस हैं, जैसे सोलोमन, वनुआतु, तुबालु, फिजी और इस तरह से अमेरिकन समोआ, ये किरीबाती, कुक्स आइलैंड, टोगा, नियाओ, तो बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं। तो इन्हें ही बचाने का काम किया गया। अब सपोज कोई चाहता है कि मैं ईस्ट साइड में रहूं, कोई चाहता है वेस्ट साइड में, ओके, तो इस तरह से ये डेडलाइन टेढ़ी मेढ़ी है, इसका ये कारण है। ये आइलैंड से साथ साथ ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ न्यूजीलैंड को दिखाया गया,
इन सारे नेशंस को एक साथ बोलते हैं ओशनिया, ठीक है। ये सारे के सारे पैसिफिक ओशंस में पड़ते हैं, साउथ पैसिफिक ओशन इन स्पेसिफिक। अब देखिए ये एक टर्म है यूटीसी, यानी कि यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। तो 1972 से पहले जो ग्रीनविच का जो टाइम था उसको जीएमटी बोलते थे, ग्रीनविच मीन टाइम, लेकिन 1972 के बाद उसका नाम बदल के कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड यानी कि यूटीसी रख दिया गया। इसे कोई विशेष मतलब नहीं है, लेकिन आपको बस ये जानना है कि जो जीएमटी है उसी को यूटीसी भी बोलते हैं, यानी जो ग्रीनविच लंदन का टाइम होता है लोकल टाइम उसको यूटीसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक मजेदार बात जानने वाली, एक ही समय में दुनिया में तीन अलग अलग डेट, थ्री डेट्स एट सेम टाइम, यानी कि जो ग्रीनविच में जो टाइम होगा हर रोज 10 बजे से लेके 11:59 यूटीसी तक, यानी ग्रीनविच का जो टाइम है, तो तीन अलग अलग डेट होते हैं पूरे अर्थ पर, ठीक है। अब कैसे, जैसे ये 10 से 12 ये 11:59 के बीच में हम एक टाइम ले लेते हैं 10:30 यूटीसी, तो जब हम अमेरिकन समोआ आइलैंड है ये सब हम लोग देखेंगे अभी मैप में, तो ये यूटीसी से -11 आवर्स है, यानी कि ये वेस्ट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ का टाइम हो गया रात के, पिछली रात के 11:30 यानी माइनस में, जबकि न्यूयॉर्क है यूनाइटेड नेशंस का बहुत फेमस सिटी, तो -5 आवर्स है यूटीसी से, तो वहां 6:30 बज रहा होगा सुबह के। और किरीबाती या किरीमाती दोनों बोलते हैं, तो यूटीसी से वो 14 आवर्स एडवांस है, प्लस है, तो वहां नेक्स्ट डे का 12:30 टाइम हो रहा होगा, यानी 0:30 AM। तो देखिए एक ही समय है जो कि 10:30 UTC, और उस समय दुनिया में तीन अलग अलग डेट है। अमेरिकन समोआ आइलैंड में मई 1 है, मई 2 है न्यूयॉर्क में, और मई 3 है किरीमाती में। तो ऐसा भी होता है, रोज होता है 10 से 12 के बीच में यूटीसी। तो आप ये देख पा रहे हैं ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन नजर आ रही है इस तरह से, ये जिस पर मैं पेन दौड़ा रहा हूं, तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब यहां देखिए ये अलास्का यानी कि यूएस का हिस्सा है, और इधर ये रसिया है, और ये बीच में यहां जो वाटर बॉडी है छोटी सी जो दोनों को अलग करने का काम करती है, ये बेरिंग स्ट्रेट और ये बेरिंग सी, नीचे ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अगर ये सीधा होता तो हो सकता है कि अलास्का का कुछ हिस्सा आ जाता ईस्ट साइड में, तो फिर इन्हें भी दिक्कत होता अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने में। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर टेढ़ा कर दिया ऐसे कि हम पूरी तरह से वेस्ट में ही हैं, ये रशिया पूरी तरह से ईस्ट में, इस तरह से ये टेढ़ा मेढ़ा है, ओके। अब ये यहां एक देश है आइलैंड नेशन जिसे बोलते हैं किरीबाती या किरीमाटी, उसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते हैं क्रिसमस आइलैंड, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये पहले इनके कुछ जो आइलैंड्स थे वो डेट लाइन के ईस्ट में थे और कुछ आइलैंड डेट लाइन के वेस्ट में थे, लेकिन जब ये कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ देश तो ये पूरी तरह से अपने आप को एक साइड रखने का कोशिश किया और ये डेट लाइन के पूरी तरह से वेस्ट में आ गया, पूरी तरह से ईस्ट में आ गया। देखिए ये डेट लाइन है और ये डेट लाइन का इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ये पूरी तरह से डेट लाइन को खींच के अपने आप को डेट लाइन के ईस्ट में ला दिया, यानी प्लस, ठीक है। तो इसी कारण से यहां पर इतना ज्यादा चेंजिंग है, इस तरह से मुड़ा तुड़ा है डेट लाइन। अब दुनिया में सबसे पहले न्यू ईयर किरीमाती में मनाया जाता है, तो आप ये तो समझ ही पा रहे होंगे यहां से डेट लाइन गुजर रही है लेकिन खींच के यहां ले गया हुआ है डेट लाइन को। तो दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं न्यू ईयर मनाया जाता है तो वो किरीबाती ही है,
भले ही उगते हुए सूरज का देश जापान है, लेकिन न्यू ईयर सबसे पहले दुनिया में किरीबाती में मनता है, तो ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाता है 31 दिसंबर की नाइट के लिए। ओके, अब आप एक बार में पूरा व्यू देख लें तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये डेट लाइन है, इसके डेट लाइन के ये वेस्ट वाले नेशंस हैं, ये ईस्ट वाले हैं, जब भी होंगे ये ईस्ट वाले आगे चलते हैं 12 घंटे ये वेस्ट वाले पीछे हैं, तो +12 -12 ऐसा कुछ मैथ कैलकुलेट करेंगे तो 24 घंटे का अंतर आ जाता है। जब हम डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट के तरफ जाते हैं तो एक दिन घटा देते हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं तो एक दिन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर साइट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।